हेलो एवरीवन, आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जन्माष्टमी के लिए यह स्पेशल पेड़ा बनाते हैं। यह पेड़ा काफ़ी आसानी से बन जाता है और इसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आवश्यकता नहीं है, बट यह पेड़ा खाने में काफ़ी ज़्यादा यमी बनती है। तो इस जन्माष्टमी आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा को अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। यहाँ मैंने 500 ग्राम मावा का यूज किया है। अगर आपका मावा सॉफ्ट है तो आप इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। यहाँ जो मैंने मावा का यूज किया है वो थोड़ी टाइट है, इसीलिए मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मावा को मैंने यहाँ घर पर ही बनाकर रेडी किया था और इसे फ्रीज में 10 दिनों के लिए स्टोर करने के लिए रख दिया था। इस कारण हमारी मावा थोड़ी टाइट हो चुकी है। तो मावा को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम मावा को अच्छी तरीके से भूज लेंगे। इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा घी लेंगे और इसे ब्रश की मदद से अच्छे से चारों ओर लगा देंगे। ऐसा करने से हमारी मावा पैन में चिपकेगी नहीं। घी अच्छे से लगाने के बाद हम इसमें ब्लेंड किया हुआ मावा ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से भूज लेंगे। जब तक कि मावा थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए आप इसे तब तक भूज लें। ऐसा करने से आप पेड़े को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। मावा को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूज लेंगे। तो मावा अच्छी तरीके से भूज चुकी है। अब हम इसमें मिल्कमेड ऐड करेंगे। यहाँ मैंने घर की मिल्कमेड का यूज किया है जो कि लगभग 500 ग्राम जितना है। हमें जितना मावा यूज करना है उतना ही मिल्कमेड का यूज करना है। अगर आप इसे कटोरी से नापे तो जितना मावा आप कटोरी से यूज करो उतना ही आपको मिल्कमेड यूज करना है। और साथ में हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इससे हमारे पेड़े में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पेड़ा का कलर चेंज होने लगा है और पेड़ा हमारा ठीक हो रहा है। इसे आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाने में 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। इसे बनाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बट जब पेड़ा बनता है तो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस जन्माष्टमी आप अपने कान्हा जी के लिए यह पेड़ा ज़रूर से बनाएं। आपके यहाँ जन्माष्टमी कब बन रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जन्माष्टमी में आप प्रसाद में क्या बनाते हो? तो अब यह एकदम अच्छे से ठीक हो चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यह अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसके पेड़े बनाकर रेडी कर लेते हैं। पेड़ा को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हो। आप चाहें तो इसे मशीन की मदद से पेड़ा बनाने वाले शेप दे सकते हो या मेरे जैसे इसे आप सिंपल बना सकते हो। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इलायची के छिलका से इसको गार्निश करेंगे। 500 ग्राम मावा से हमारे 21 बड़े साइज के पेड़े बनकर रेडी हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में शेयर करना ना भूलें। आज मैं आपके साथ जन्माष्टमी में बनने वाली धनिया पंजीरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम सभी आसानी से घर पर बना सकते हैं। और इस धनिया पंजीरी को आप कृष्ण जी के भोग के लिए इस जन्माष्टमी बनाकर ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे। धनिया को मैंने पहले पानी से अच्छे से वॉश करके इसे धूप में सुखा लिया है। इससे धनिया में जो भी डस्ट होगा वो निकल जाएगा। यहाँ मैंने 200 ग्राम साबुत धनिया का यूज किया है और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 5 से 6 मिनट बाद आप देखेंगे कि धनिया से बहुत अच्छा खुशबू आना स्टार्ट हो गया है।
तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और धनिया को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब धनिया अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसे हम ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से महीन पीस लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें गोंद ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आधी कटोरी गोंद का यूज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हो। और गोंद जब अच्छी तरीके से फूलने लगे और क्रिस्प हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून घी और ऐड कर देंगे। गोंद अच्छा खासा घी पीता है, इसीलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून घी और ऐड किया है। और इसमें अब हम आधी कटोरी मखाना ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से क्रिस्प होने तक भून लेंगे। ध्यान रखें कि आपको अभी फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखना है, अदरवाइज हमारा मखाना जल सकता है। तो मखाना अच्छे से क्रिस्प हो चुका है तो मैंने इसे निकाल लिया। अब हम इसमें चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स और सूखी हुई नारियल, जिसे मैंने घस लिया था और थोड़ा सा कट कर लिया था, उसे ऐड कर देंगे और इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। बस जब ड्राई फ्रूट्स और सूखी नारियल का कलर हल्का चेंज होने लगे तो इस स्टेज पर हम इसमें पीसी हुई धनिया ऐड कर देंगे और धनिया को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, आपको जो ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगे इसमें आप ऐड कर दें, अदरवाइज स्किप कर दें। तो धनिया को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ मखाना और गोंद ऐड कर देंगे और इन सब को हम लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि धनिया से अच्छा खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए और धनिया का कलर हल्का चेंज ना हो जाए। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और धनिया को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब यह अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी का यूज किया है, आप चाहें तो इसके जगह बूरा का भी यूज कर सकते हो। और चीनी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 300 ग्राम पीसी हुई चीनी का यूज किया है, आप चीनी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो हमारी धनिया की पंजीरी बनकर रेडी है। इस जन्माष्टमी आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना और कन्हैया जी को भोग लगाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो भी इस पंजीरी को बनाकर भगवान जी को भोग लगा सके। यह धनिया की पंजीरी खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी काफ़ी ईजी है, तो जन्माष्टमी में आप इसे ज़रूर से बनाना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।